फाइनली दोस्तों, ये जो टीवी है इसका प्रॉब्लम को मैं कैसे रिपेयर किया, मैं ऑलरेडी रिपेयर किया तो क्या किया इसका अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। इसका स्टैंड बाई इंडिकेटर ऑन है तो इसको स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। इसका अंदर जो बॉटम स्विच है, चलिए बॉटम स्विच दबाने के बाद देखिए स्टैंड बाई से ऑन हो गया। और दोस्तों आपको ये पीसीबी का अंदर जो वोल्टेज सब कुछ ओके है, तो इसका अंदर बहुत कुछ टेस्ट पॉइंट है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं ढूंढ के देखा कि इसका अंदर जो ऑड इवन वोल्टेज है, तो आपको यही एक बार दिखाना चाहता हूँ। मीटर को मैं चलिए डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये जो एयू का पैनल है आप देख सकते हो, इसका मॉडल नंबर भी इसका अंदर लिखा है आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह पैनल आएगा और इसी तरह सेम प्रॉब्लम आएगा तो आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ इसका अंदर इधर देखिए कुछ टेस्ट पॉइंट है, इसका अंदर 1, 2, 3, ऊपर 3, 4 और ये 5 टेस्ट पॉइंट है और नीचे तीनों टेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये तीनों टेस्ट पॉइंट का अंदर ये जो फर्स्ट वाला टेस्ट पॉइंट है, इसका अंदर जो वोल्टेज आ रहा है आप देख सकते हो दोस्तों, ये ऑड इवन वोल्टेज है। ये 26 वोल्ट देखिए और -9 वोल्ट, 26 वोल्ट और -9 वोल्ट, इसी तरह इसका अंदर वोल्टेज आ रहा है, ये ऑड इवन वोल्टेज है। मैं ये ऑड इवन वोल्टेज को ये पैनल का अंदर जो जा रहा है, बीच में एक यहाँ पर होल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका नीचे ये जो कॉप साइट है इसका अंदर मैं बहुत सावधानी से कट कर दिया, ओनली 1 ट्रक को मैं कट किया, ठीक है। तो आपको अच्छा तरीके से दिखना पड़ेगा, इसका अंदर एक छोटा सा होल है, होल का नीचे आपको कट करना पड़ेगा। तो ये कैमरा के अंदर सही आ रहा है कि नहीं, चलिए मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कट किया, ठीक है, इसका नीचे कट करने के बाद तो इसका स्क्रीन आपको फर्स्ट टाइम जो दिखाया अभी क्या आ रहा है देखिए, ये बिल्कुल ओके हो गया। AV2 नो सिग्नल लिखा आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल ओके चल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो आप देखने के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।